अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। कैसे आप सब? ठीक है, उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद जब घर आई तो देखा घर में मैंने जो परिंदों के लिए छोटे छोटे से घर बना के दिए हैं वो काफ़ी सारे छोटे छोटे पौधों की टहनियाँ वगैरह और कुछ प्लास्टिक के पीसेज और कुछ कागज़ वगैरह के पीसेज मुँह में उठाए लिए अपने घर की तरफ आ रहे थे, जो कि अपना घर बच्चों के लिए सेट कर रहे थे, क्योंकि ये इनमें अंडे डालते हैं और अंडे देने के बाद फिर इनमें बच्चे आते हैं और बच्चे देने के बाद ये लोग यहाँ से उड़ जाते हैं और फिर यहाँ पे और परिंदे आते हैं। मैंने अपने घर की एक साइड पे दीवार पे छोटा सा इनके लिए और अलग से घर बनाया है, जिसमें एक प्लेट में मैंने उनको पानी डाल के दिया हुआ है और एक प्लेट में उनको दाना डाल के दिया हुआ है। ये लोग बहुत खुशी खुशी है सुबह सवेरे आते हैं और इंशाल्लाह एक दिन मैं आपके साथ इनका व्लॉग भी शेयर करूँगी। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतें दी हुई हैं, अगर थोड़ी सी हम मेहनत करें कोशिश करें तो इनके लिए घर अपने घर में एक जगह पे परिंदों वगैरह की जो दाना होता है वो डाल के, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा दुआई देते हैं और खुश होकर हमारे घर से जाते हैं। मैंने इसके बाद दिया बेबे को नाश्ता और वो उठ गई थी। बेबे उठने के साथ ही पहला नाम मेरा लेती है और उठती है तो पूछती है मेरा बच्चों से कि आपकी वालदा किधर है। मैं बाहर आई हुई थी लॉन की तरफ और पौधों को देख रही थी कि पौधे माशाल्लाह से बहुत अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेबे को बाहर बिठाया हुआ था, उनके लिए चारपाई वगैरह सेट की क्योंकि वो दिन को बाहर आ जाती हैं और उनकी पसंदीदा रोटी जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है उनको वो ला के दी। अपने लिए कप चाय के लिए और अपने लिए चाय बनाई। बेबे और मैं सुबह का नाश्ता एक साथ करते हैं और बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो बात वगैरह करती हैं, पूछती रहती हैं घर का, बच्चों का, अपने बेटे का स्पेशली। और आप लोगों ने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आप हमारा ये व्लॉग किस कंट्री से देख रहे हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोगों ने लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह के मज़ीद छोटे छोटे व्लॉग्स आपके साथ हम डेली रूटीन के शेयर किया करें। बेबी को वैसे ये रोटी बहुत ज़्यादा पसंद होती है, इसलिए वो ये रोटी शौक से खाती हैं। अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे जिनके घर में ये बड़े बुज़ुर्ग हैं उनकी खिदमत करने की और यही टाइम इनसे दुआ लेने की, क्योंकि हमारा तो कोई पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।